आज हम बनाने जा रहे हैं शादी वाली कटलेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने गाजर लिया, हरा वटाना लिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, आलू को मैंने इस तरीके से ग्रेट करके रखा है। अब एक मिक्सी जार में मैं जो गाजर लिए वो और हरी जो वटाना है वो डाल के इसको दरदरा इस तरीके से पीस के लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, 4 से 5 चम्मच के करीब ये ऑयल है। जितना आप ऑयल खाते हो उतना ऑयल आप इसके अंदर डाल देना। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हींग डाल दूंगी, और उसी के साथ में थोड़ा सा मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। आप चॉप करके भी डाल सकते हो। जैसे इसका अदरक लहसुन का कच्चा जो टेस्ट है, रॉ स्मेल, वो हट जाएगी। उसके बाद जो हमने गाजर और हरी वटाना जो है उसको जो पीस के लिया था वो डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से पहले हम लोग को पका लेना है। उसी के साथ में जो सब्ज़ी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे हरी शिमला मिर्ची थी, मैंने वो डाली, हरी मिर्च डाली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप तीखा खाते मैंने वो सब डाल दिया है। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें जितना नमक हमें चाहिए नमक डाल देंगे। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया हुआ है। ये नमक ऐड करते ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप कलर के लिए अगर कलर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने ये कलर के लिए यूज़ किया है। बाकी तीखा जो हरी मिर्च से हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एकदम मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की हुई है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हो। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है। जैसे ये अच्छे से स्टफिंग इसकी जो है ये अच्छी तरीके से पक जाएगी, तो ये खुद ब खुद है ना छोड़ देगा कढ़ाई को। आप देख सकते हो किस तरीके से ये अलग हो रहा है इससे, तो मतलब ये रेडी हो गया है। तो उसके बाद जो आलू ग्रेट करके रखा था उसके ऊपर मैं ये डाल दूंगी, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, मुझे नमक कम लग रहा था। उसके बाद मैं इसके अंदर हरी धनिया जो मैंने कट करके रखी वो ऐड करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यानी मैंने ब्रेड क्रम्ब के लिए जो टोस्ट होता है उसको मैंने ग्राइंड करके लिया हुआ था, तो आपके पास अगर ब्रेड क्रम्ब है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैं जितना मुझे बाइंडिंग के लिए चाहिए पहले थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, और उसी के साथ में मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ ताकि बाइंडिंग हमारी अच्छे से हो, थोड़ा क्रिस्पी बने। तो यहाँ मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, मुझे जितना ज़रूरत बड़ी मैंने मिक्स किया है। इसमें कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं है कि आपको इतना ही रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया है, और जो ब्रेड मैंने बोला था आपको टोस्ट उसको मैंने मिक्सिंग में अच्छे से पीस लिया था। ये दोनों मिक्स कर लेंगे, और जो शेप आपको देना है कटलेट्स का वो शेप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया है कुछ इस शेप का, और इसी के साथ में मैंने और एक ये किया है, मैंने जो सूजी आती है रवे वाली मैंने वो भी कटलेट्स बनाई थी, तो मुझे सूजी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। ये मैदा जो है, सॉरी, कॉर्नफ्लावर और जो क्रम है जो टोस्ट का, उससे ज़्यादा मुझे अच्छी सूजी वाली लगी, तो मैंने सूजी वाली भी बना के लिए। ये देख सकते हो आप, ये टोस्ट वाली है और ये सूजी वाली है, तो दोनों मैंने अलग रखा है। मैं आपको एंड में बताऊंगी दोनों में फ़र्क क्या है। ये वाली मुझे अच्छी लगी, बट जो टेस्ट होता है वो सूजी वाली में ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो आप लोग भी है ना वो सूजी वाली ही ट्राई करना। सिंपली सूजी लेनी है और उसको जो कटलेट्स हम शेप देके बना रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से कोट कर देना है, बस और कुछ नहीं है उसमें। तो मैंने यहाँ पे पहले जो टोस्ट वाली ली थी उसे अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा, उसके बाद मैंने हाई किया। जैसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी सी पकी उसके बाद मैंने क्रिस्पी करने के लिए हाई फ्लेम किया। तो ये देख सकते हो ये रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैंने एक ट्रायंगल शेप बनाया है और एक स्क्वायर शेप में बना के लिया है। तो अभी मैं ये हो गया, ये थोड़ा सा जो निकल गए थे उसमें से, ये देखिए सूजी वाली है, और यकीन मानिए सूजी वाली में काफ़ी अच्छा टेस्ट है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो मैंने खुद ट्राई किया है पहले, इसके बाद में आपको बता रही हूँ, तो आप भी इस मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी है। तो सभी जितनी मैंने ली थी सारी कटलेट्स को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, और आप इसको अगर डीप फ्राई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, शैलो फ्राई करना है तो वो भी कर सकते हो। मैंने कुछ को शैलो फ्राई भी किया हुआ है, तो ये फ़िलहाल तो डीप फ्राई वाला हो गया। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है सूजी वाला। अभी मैंने ये जो तेल कम खाते ऑयल जो कम खाते इसमें, ये भी बहुत हेल्दी है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से बना के लिया है।
इसे अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के दोनों साइड में आप अच्छे से सेक सकते हो। तो देखिए मैंने साइड चेंज की, कितना अच्छा सुनहरा कलर आ रहा है इसके ऊपर। तो इसी तरीके से बाकी जितनी मैंने ली है सबको मैं इसी तरीके से बना के लूँगी। अगर आपको फ्रीज करके रखना है तो भी आप इस जो मिक्सर हमने बना के लिया हुआ इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हो अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में। तो ये आप बाद में भी कम से कम 3 से 4 दिन में आप खा सकते हो, कोई ख़राब नहीं लगती है। तो रमज़ान आ रहा है, अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई तो रमज़ान वगैरह में भी आप ट्राई कर सकते हो। ये देखिए ये सूजी वाली मैंने ट्रायंगल शेप में बनाई, इसको भी मैं थोड़ा सा शेलो फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही, कितनी टेस्टी दिख रही है दिखने में, और बहुत अच्छी है। टाइम नहीं लगता है बनाने में क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई है, और ये नॉर्मल वाली जो मैंने बनाई है वो है। तो आप देख सकते हो दोनों में दिखने में ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अगर इस तरीके से आप बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी को।